की राजधानी दिल्ली में एनडीए की बैठक के 2 घंटे बाद इंडिया की भी बुधवार शाम 6 बजे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। यह 1.5 घंटे चली। 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम उस वक्त सही समय पर कदम उठाएंगे जब लगेगा कि भाजपा सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार सही कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है, लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया को 234 सीटें मिली है। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। वहीं बैठक के पहले गठबंधन के कई नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क करने की बात करते रहे। चंद्रबाबू की TDP को 16 सीट और नीतीश की JDU को 12 सीटें मिली है।